स्टूडेंट्स, आज हम एल्जेब्रिक इक्वेशंस के चैप्टर नंबर 10.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें चार मेथड हैं। पहला है बाइसेक्शन मेथड, दूसरा है न्यूटन रैप्सन मेथड, तीसरा है रेगुलर फालसी मेथड और चौथा है गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम फर्स्ट एल्जेब्रिक इक्वेशन का जो बाइसेक्शन मेथड है उस पर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। फोर टाइम्स ऑफ एप्रोक्सीमेशन, मतलब चार बार एप्रोक्सीमेशन हमें करना है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका कहा गया है पॉजिटिव रूट फाइंड करने के लिए। तो पॉजिटिव रूट जो है जीरो से बड़ा होता है, इसलिए अपने मन से ही कुछ भी वैल्यू मान ली, मैंने जीरो मान ली, तो मैंने क्या मान ली, जीरो। तो एक्स की वैल्यू इसमें जीरो पुट कर दें, पुट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो जब जीरो पुट करेंगे तो एफ जीरो पर वैल्यू निकालें, एफ जीरो ये जीरो प्लस ये जीरो इज इक्वल टू वन। एफ जीरो की वैल्यू वाई वन, मीन्स ये पॉजिटिव है। कैसा आया ये, पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सिमिलरली अगेन हम एक दोबारा से पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू इस बार मान लीजिए वन पुट कर दीजिए, तो एफ वन निकालें, अगर हम वन निकालें इसमें वन रखें, वन प्लस ये भी वन हो जाएगा, माइनस फाइव प्लस वन, वन वन टू माइनस फाइव माइनस, तो ये नेगेटिव आ गई वैल्यू। तो हमें ऐसी दो वैल्यू चाहिए जिन पर एक पर वैल्यू फंक्शन पॉजिटिव हो, दूसरी पर वैल्यू पर नेगेटिव हो। तो यहां पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है। तो चलिए अब अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें f0 into f1, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब जीरो से बड़ा होगा। चलिए फिर हम क्या करें, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन उसे कह देंगे हम x1, x मैंने यहां किया था, x1 कह देंगे, x1 वो होगा x जो वैल्यू दो पुट करती जिन पर पॉजिटिव नेगेटिव आए थे, तो x1 की वैल्यू जीरो और इसकी वैल्यू यहां पर वन, तो जीरो प्लस वन बाय टू, मतलब डिवाइड कर देंगे दोनों वैल्यूज को बीच में, तो ये आ जाएगा वन बाय टू। अगेन वन बाय टू पर वैल्यू निकालेंगे, एफ वन बाय टू, एफ वन बाय टू करेंगे तो कितना आएगा, देखिए वन बाय टू का क्यूब माइनस फाइव बाय टू प्लस वन, कैलकुलेट कर लेंगे इसे, 1 अपॉन 8 माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 4 4 प्लस 8 और 8, कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा ये 8 एलसीएम आ गया, और 8 रही 9 5 20, तो 20 माइनस 9 माइनस 11, तो वैल्यू जो थी हमारी फिर से नेगेटिव आई। तो इसके विषय में हम एक वो बना दें, एक छोटा सा, यहां पर पहले हमारी वैल्यू आई थी जीरो पर, कैसी आई थी, पॉजिटिव आई थी, तो जीरो पर हमारी वैल्यू पॉजिटिव आई और वन पर हमारी वैल्यू नेगेटिव आई, तो ये वन ले लेंगे, वन पर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई। फिर हमने क्या किया, दोनों को बाइसेक्ट किया था, तो बीच में जो वैल्यू आई थी वो वन बाई टू आई थी, वन बाई टू पर जो वैल्यू आई वो भी नेगेटिव आई। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हमारा रूट पहले कितने के बीच में था, पॉजिटिव नेगेटिव के, अब पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब इन दोनों के बीच में होगा, जीरो और वन बाई टू के बीच में। अगेन सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मतलब एक्स टू वो कितना होगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन जीरो जहां पॉजिटिव है और जहां नेगेटिव है वन बाई टू, ए प्लस बी बाई टू होता है तो टू, तो वन बाई फोर आ जाए। चलिए फिर वैल्यू निकालेंगे वन बाई फोर पर, नाउ एफ वन बाई फोर, एफ वन बाई फोर कितना जाएगा,
एफ वन बाई फोर आ जाएगा, वैल्यू रखे तो वन बाई फोर का क्यूब माइनस फाइव बाई फोर और प्लस वन, कैलकुलेट कर लेंगे फिर से, ये आ जाएगा वन अपॉन सिक्सटी फोर माइनस फाइव अपॉन फोर था तो इंटू सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन प्लस और सिक्सटीन से मल्टीप्लाई, सिक्सटी फोर से मल्टीप्लाई और सिक्सटी फोर से डिवाइड, तो ये सिक्सटी फोर एलसीएम आ जाएगा और सिक्सटी फोर एलसीएम आने के बाद तो वन माइनस अस्सी और प्लस सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर प्लस वन सिक्सटी फाइव माइनस एट्टी तो ये बचेगा फिफ्टीन माइनस के अपॉन सिक्सटी फोर, तो यहां भी वैल्यू नेगेटिव आई, तो वन बाई फोर किया था हमने, वन बाई फोर इन दोनों का यहाँ आएगा वन बाई फोर, तो वन बाई फोर पर भी वैल्यू हमारी नेगेटिव आई, तो मतलब यहाँ भी नेगेटिव आई। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि सॉल्यूशन जीरो और वन बाई फोर के बीच में होगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव यही बचे हैं। तो फिर से अब निकालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालेंगे? अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे वन बाई फोर पर हमने वैल्यू निकाल दी, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन मान लीजिए एक्स फोर हो जाएगा, एक्स थ्री हो जाएगा, फर्स्ट पे हुआ था हाँ थ्री हो जाएगा, एक्स थ्री हो जाएगा तो जीरो प्लस और वन बाई फोर बाई टू, ए प्लस बी बाई टू होता है फॉर्मूला, कैलकुलेट करेंगे तो ये वन बाई एट आ जाएगा, वन बाई एट पर वैल्यू निकालेंगे फिर अब नाउ एफ वन बाई एट, वन बाई एट पर वैल्यू निकालेंगे तो वन बाई एट पर वैल्यू निकालो जरा, तो इसमें रखो एफ वन बाई एट हो जाएगा वन अपॉन एट का क्यूब माइनस फाइव बाई एट, फाइव बाई एट और प्लस वन, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे वन बाई एट का, तो इसे कैलकुलेट कर लेना आप, मैं बता देता हूँ कितना आया, ये आ जाएगा पॉइंट थ्री सेवन सिक्स नाइन, पॉजिटिव आएगा ये 0.3769 समथिंग कुछ ऐसा जाएगा, मतलब वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी इस बार। चलिए तो वैल्यू पॉजिटिव आए, आप देखिए 1 बाई एट हमने निकाला था तो 1 बाई एट इन दोनों का मिडिल में होगा, ये 1 बाई एट होगा, इस पर वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो अब इसका मतलब सॉल्यूशन जो होगा 1 बाई फोर और 1 बाई एट के बीच में होगा, यहां पर होगा सॉल्यूशन, ये 1 बाई एट है ये 1 बाई फोर है, क्योंकि 1 बाई एट पर वैल्यू पॉजिटिव है और 1 बाई फोर पर वैल्यू नेगेटिव है, तो हमेशा जहां दो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होगी उन्हीं के बीच में हम लेंगे। तो अगेन फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, लास्ट अप्रोक्सीमेशन है ये, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन कैसे निकल जाएगा, एक्स फोर वो जाएगा 1 बाई एट प्लस 1 बाई फोर बाय टू, 1 बाई एट प्लस वन बाई फोर अपॉन टू, कैलकुलेट कर लेंगे तो पहले ऊपर टू टू, तो ऊपर का एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा आपका एट, तो एट ऊपर का एलसीएम आ गया, टू वन या टू प्लस वन एट मतलब थ्री, थ्री बाई एट अपॉन टू, तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा आपका थ्री बाय सिक्सटीन और यही आपका आंसर होगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले अपने मन से ही दो वैल्यू चूज कर लेंगे, एक इंटरवल चूज करना है हमें जिसमें एक पर वैल्यू पॉजिटिव आ जाए दूसरे पर वैल्यू नेगेटिव आ जाए। हमने क्या क्या किया, दो वैल्यू ले ली, हमें पॉजिटिव रूट चाहिए था इसका, तो पॉजिटिव रूट चाहिए था तो इसलिए हमने क्या किया, जीरो से स्टार्ट किया, जीरो पर वैल्यू देखिए पॉजिटिव आई और वन पर देखिए नेगेटिव आई, अपने मन से ही चूज कर लिया ये ऐसे मतलब एट रैंडमली कहीं से भी, तो जीरो वन हमने देखा पॉजिटिव नेगेटिव आई, तो इन दोनों का प्रोडक्ट देखा वो जीरो से छोटा ही आएगा, नेगेटिव आया, पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आता है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे वो लेंगे जिस पर पॉजिटिव आई वैल्यू और जिस पर नेगेटिव आई वैल्यू, उन दोनों का सम डिवाइड बाय टू, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाय टू। चलिए तो जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारा वन बाय टू आया, वन बाय टू पर वैल्यू हमने निकाली तो वो नेगेटिव आई, वन बाय टू पर वैल्यू हमने निकाली वो नेगेटिव आई थी, इसका मतलब फिर से पॉजिटिव नेगेटिव के बीच सॉल्यूशन होगा, पहले पॉजिटिव नेगेटिव यहां था अब पॉजिटिव नेगेटिव यहां आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव यहां सॉल्यूशन होगा। फिर क्या किया, सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाला, सेकंड अप्रोक्सीमेशन एक्स टू जीरो प्लस वन बाई टू बाई टू करेंगे, ए प्लस बी बाई टू, वन बाई फोर आया, वन बाई फोर पर वैल्यू निकाली
वो भी नेगेटिव आई, इसका मतलब 1 बाई 4 भी नेगेटिव। अब फिर से सॉल्यूशन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच होगा। थर्ड अप्रोक्सीमेशन x3 निकालेंगे, 1 बाई 8 आया, 1 बाई 8 यहां आया, 1 बाई 8 पर हमने वैल्यू देखी पॉजिटिव आई। तो सॉल्यूशन देखिए पॉजिटिव नेगेटिव के बीच होगा, मतलब 1 बाई 8 और 1 बाई 4 के बीच होगा। तो 1 बाई 8 और 1 बाई 4 के बीच में हमने फिर से फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकाला और वही हमारा क्या है आंसर है। चार अप्रोक्सीमेशन तक इसमें कहा गया था, हमने चौथा इसमें कहा गया था फोर अप्रोक्सीमेशन, फोर टाइम अप्रोक्सीमेशन, तो हमने कर दिया। थैंक यू।